हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हमारे पास कुल मिला के 15 अपाचे थी आज से 10 दिन पहले। तो हमने जो है 8 या 7 अपाचे बेच चुके हैं। तो जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 अपाचे बचे हैं हमारे पास। तो इसका मतलब 8 अपाचे हम लोग की बिक चुकी है पिछले 10 दिनों में। तो बाकी हम लोग को रेडर मिल नहीं पा रही है। रेडर जैसे कि आप देख सकते हैं, एक ही रेडर है। रेडर हम लोग को इस कंडीशन पे दिया जा रहा है कि जैसे आप 7 बाइक लेंगे तो आपको एक रेडर मिलेगी, क्योंकि रेडर की डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए रेडर मिल नहीं पा रही है। तो बाकी अपाचे तो मिल जा रही है। जैसे हम लोग एक लोड लिए तो उसमें हम लोग को 3 अपाचे और एक रेडर दिए। बाकी 3 कोई सी भी गाड़ी आप ले सकते हैं, जैसे कि स्पोर्ट और एडान ले सकते हैं। इस समय स्पोर्ट ज़्यादा बिक रही थी, हमने स्पोर्ट ले लिया है। रेडॉन इस समय महंगी होने के कारण रेडॉन इस समय कोई जल्दी लेता नहीं है। लेते हैं बाकी जिसको जैसे आवश्यकता होती है, पैसे के हिसाब से जिसके जो होता है वही लेते हैं। बाकी जब आपको 73,000 में आपको स्पोर्ट मिल जा रही है तो कोई 90,000 का रेडॉन कोई कौन लेगा। दोनों के इंजन जो 110 cc होती है, बाकी दोनों में डिफरेंस होता ही है कि पावर का डिफरेंस होता है। रेडॉन ज़्यादा पावर देती है, लंबी सीट होती है, टायर साइज स्पोर्ट से बड़ा होता है। बाकी इधर उधर करके बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। बाकी एवरेज की बात करें तो एवरेज आपको 70 से 75 आपको स्पोर्ट दे दी, प्रैक्टिकल एवरेज है ये। कंपनी तो क्लेम आउट ज़्यादा करती है। बाकी आपका रेडॉन की बात करेंगे तो ये 65 से 70 देगी आपको ऑन रोड। बाकी ये है अपाचे। अपाचे आपको 45 से 50 देती है, 4B आपको 40 से 45 देती है, और ये है रेडर। रेडर आपको दे देगी 60 से 65। तो भाई इसकी डिमांड इसीलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये बाइक सस्ते में ही आपको स्पोर्ट्स बाइक का फुल फीलिंग देती है। इसका एग्जॉस्ट काफ़ी अच्छा है और इसी के साथ साथ ये आपको 125 cc सेगमेंट में सबसे ज़्यादा एवरेज देने वाली बाइक है। टीवीएस रेडर है और सबसे स्टाइलिश लुक और एग्रेसिव लुक के साथ आ जाती है ये, जो पल्सर में नहीं होता है ऐसा। तो पल्सर का सब लोग का अपना अपना पसंद है। बाकी इस बाइक में आपको किक नहीं मिलता है अपाचे में, और रेडर में आपको किक नहीं मिलेगा इस बाइक में। तो ओवरऑल सभी बाइक के एवरेज के बारे में हमने आपको बता दिया। बाकी वो रही स्कूटी जुपिटर 110 110 cc की है, वो आपको एवरेज दे देगी 50 55 55, इससे ज़्यादा नहीं दे सकती। कोई भी स्कूटी इतना एवरेज नहीं देती है अगर वो 110 cc की है। बाकी कोई कितना भी क्लेम कर दे कंपनी वाले, इससे ज़्यादा नहीं दे सकती। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि शोरूम में जगह बचती नहीं है क्योंकि बाइक्स बहुत ज़्यादा हो गए, पीछे गैराज भी फुल है। तो बाकी जो बाइक आती है वो हम अपने घर पे खड़ी कर देते हैं। घर पे हमारे जगह काफ़ी है तो वहाँ पे भर के रख देते हैं, तो वहाँ से गाड़ी बिकने के बाद लाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।